प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 22 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें, अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें आज के दिन जय के उत्सव में हमेशा के जैसे विश्वास योग्यता से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, यह हो अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। जैसे संगीतकार भजन संहिता 136 में कहते हैं कि यह हुआ का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। हमारे परमेश्वर की दया हमारे जीवन के अंत तक है। हालेलुया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आमेन। हालेलुया, जैसे कि वचन में लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर अकेले में आश्चर्य काम करता है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, आमेन, आमेन। और आगे हम वचन में ऐसे सीखते हैं कि फरू की सेना को भी या हमारे शत्रु को भी खत्म करने वाला हमारा परमेश्वर, हालेलुया, 15 वचन में लिखा है, और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए हमारे शत्रु को भी परमेश्वर हराने वाला प्रभु है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर की जो हमारे ऊपर कृपा है, दया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन एक साथ आपकी स्तुति और आराधना करने का आपने हमें जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको दान दिए बच्चे आशीषित रहे, प्रभु इनका काम आशीषित रहे, प्रभु ये आपके भलाई से इनका जीवन भर जाए, प्रभु इनकी जरूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे। हालेलुया, प्रत्येक रूप से हर एक रोग की शक्ति आज के दिन टूट जाए। हालेलुया, सोरियासिस से जो पीड़ित है, जो शरीर में पूरा इन्फेक्शन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो त्वचा निकल जाने के कारण जो भार से है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, ये सोरियासिस का स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से बाहर निकल जाए। हालेलुया, दिव्य अद्भुत चंगाई वहां पर हो रही है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। पूर्ण आरोग्य यीशु मसीह के नाम से उनको मिले। हालेलुया, वैसे ही जिनको भी उनके हृदय में बीचों बीच जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, आरोग्य उनको मिले। प्रभु आपकी कृपा अपने बच्चों के साथ आपने छोड़ी है, निडाली है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, प्रभु वो परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनको बच्चे नहीं है, ये साल खत्म होने से पहले आप अच्छी खबर दिलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है, आप अद्भुत कार्य करें, प्रभु रास्ते खोल दे पिता। आर्थिक विषय में प्रभु छुटकारा देकर अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, परमेश्वर को बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से आप अनुभव करते रहे, हम प्रार्थना करते हैं। और कल के दिन प्रार्थना रहेगा शाम को 9:30 इंडियन समय, आप जरूर उसके भागी बने। आमेन। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और उसका 12वां वचन, उसमें लिखा है, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हुआ चाहता है। हालेलुया, हम जानते हैं यहाँ पर इस भाग में नई कलीसिया का शुरुआत होता है। हालेलुया, जब पिंतेकोस्त का दिन आता है, सबके सब 120 लोग एक जगह पे वो लोग इकट्ठा होते हैं, और उनका उद्देश्य क्या है कि यीशु मसीह ने जो उनको वादा दिया कि पिता उनको आशीषित करेंगे पवित्र आत्मा का अभिषेक से, हालेलुया, उस चीज़ के लिए वहाँ इंतज़ार करते हैं। आमेन। और हमें ये चीज़ सीखना है कि 2 या 3 जन
वचन परमेश्वर के वादा के लिए जब इंतजार करते हैं तो वहां पर परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य करते हैं। और कोई चीज नहीं, खुद के लक्ष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम जो इच्छा रखते हैं एक रिवाइवल के लिए, जागृति के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो वहां पर अद्भुत कार्य होता है। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पर जब वो प्रार्थना करते हैं तो वहां पे उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है और वहां पे सब के सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमेन। और पांचवा वचन जैसे लिखा है कि और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। पेंतेकोस्त के दिन को मनाने के लिए वहां पे अलग अलग राज्य से लोग आ जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आवाज को सुन के वहां पर देखते हैं कि क्या होता है कि सबके सब आत्मा से भर कर वहां पर उन्हीं के वचनों को बोलते हैं। जैसे सातवां वचन में लिखा और वे सब चकित और आचंबित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब दलीली नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा के साथ एक बंधन जब बन जाता है तो उसके बाद दूसरों को भी अचंभित हो जाते हैं, दूसरे भी अचंभित हो जाते हैं, दूसरों को भी चकित करने वाले आश्चर्यकर्म होते हैं। यही हम यहाँ पे वचन से भी सीखते हैं। पवित्र आत्मा से जब भर जाते हैं तो दूसरों के भाषाओं में वो बोलने लगते हैं जिनको पढ़ाई नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचनों को वो इस तरीके से सेवकाई में वो लोग प्रस्तुत करते हैं जिससे कि सब चकित हो जाते हैं, उनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होते, चंगाई होते हैं। हालेलुया। इससे हम यही सीखते हैं मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा में यही संदेश देते हैं कि उनके साथ पवित्र आत्मा के साथ जब हमारा बंधन बनता है, हालेलुया, हम दूसरों के लिए आश्चर्य का कारण बनता है। जिस तरीके से दाऊद कहता है कि मैं दूसरों के लिए अचंभक के कारण बन गया। हालेलुया। दाऊद को पिता ने भूल गए थे, वहां पे एक बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ और सब भूल गए दाऊद के बारे में। इसलिए वचन कहता है कि माता पिता ने भूल गए लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। हालेलुया। वहां पर शमूएल नबी आते हैं राजा को वहां पर चुनने के लिए, हालेलुया, इसराइल के लिए। और वहां पे जब तेल का अभिषेक लेके खड़े रहते हैं एक एक बच्चों को जो ईसा बेटा बेटे को बेटों को भेजते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वहां पर नबी को नहीं दिखाते कौन राजा बनता है। तो वहां पे शमूएल फिर पूछता है कि तुम्हें कोई और बच्चे हैं क्या, तो बोलते हैं कि अरे वो एक और बच्चा है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो वहां पर भेड़ों को चराई करने के भेजा गया है, वो तो चरवाहा है, उसमें कोई खूबी नहीं, जो योग्य है वो सब यहाँ पर है। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, जो बिल्कुल भी योग्य नहीं है करके जिसने कहा, लोगों ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर के बंधन के कारण वहां पर उसको अद्भुत तरीके से वहां का राजा बनाया। हालेलुया। वही आशीष आपके जीवन में भी, आपके परिवार में, आपके काम के जगह में, आपके व्यापार में, आपके सेवकाई में पवित्र आत्मा आपको अद्भुत तरीके से आश्चर्य तौर से आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ बंधन रहे। सुबह जब उठते हैं तो कहे पवित्र आत्मा आप हमें वास करते हैं, हम एक साथ आज के दिन साथ में कार्य करेंगे, हम एक साथ काम पे जाएंगे, एक साथ कॉलेज में जाएंगे, एक साथ हम व्यापार करने जाएंगे, हम एक साथ सेवकाई करने जाएंगे। और ऐसे जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो सर्वज्ञानी पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे द्वारा काम करते हैं और हम अद्भुत कार्य बनेंगे। हालेलुया। हम जो देख सकते हैं कि दाऊद कौन था, वो एक साधारण व्यक्ति था। हालेलुया। उन्होंने कोई हथियार या कोई बड़े साधन से नहीं गोलियात को मारा, सिर्फ एक पत्थर से, छोटे से पत्थर से मार डाला। हालेलुया। वो कैसे हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पत्रस के जीवन में भी देखे, पत्रस ने कैसे अद्भुत कार्य किया पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण। हालेलुया। वो से चलते जा रहा था और उसकी जो छाया से लोग चंगाई पा रहे थे वो पवित्र आत्मा का शक्ति था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, वही शक्ति हमारे अंदर भी वास करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। हमें से पवित्र आत्मा के साथ वो बंधन में हमें बनना है। जिस तरीके से पौलुस कुरिन्थियों की किताब के अंत में कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ हमारा हमेशा सहभागिता होना चाहिए। हालेलुया। हमारे माता पिता या हमारे
हमारे परिवार के किसी भी लोगों से भी बढ़कर हमारी जो सहयोगता है वो किसके साथ होना चाहिए? पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। हालेलुया। जब हम ऐसे होते हैं तो हमें क्या मिलता है? परमेश्वर अद्भुत कार्य बनाएंगे। हालेलुया। यही वचन आपके जीवन में कार्य करे, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वे आर ब्लेस्ड, वे आर रियली ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य बनाए। आमेन। हालेलुया।